आज मैं बात करूंगा ईगो ट्रैप की। आपने देखा होगा कि हम में से मैक्सिमम लोग, इवन मैं भी और दूसरे भी, ईगो ट्रैप में फंसे हुए हैं। 99% लोग ऐसे हैं। कोई 1% लोग हैं जो बहुत सक्सेस हैं अपनी लाइफ में और इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, वो शायद ईगो ट्रैप में ना हो, लेकिन मैक्सिमम लोग ईगो ट्रैप में शामिल हैं। ईगो ट्रैप क्या होता है उसको मैं अभी आपके साथ में एक्सप्लेन करूंगा। हम देखिए स्पिरिचुअलिटी में आते हैं और अपने आप को स्पिरिचुअल बनाना या कहना या उसको पुकारना इस तरह से बहुत पसंद करते हैं कि आई एम स्पिरिचुअल। बट देखिए हमारी स्पिरिचुअलिटी को तब ठेस लगती है जब कोई पर्सन हमारे ईगो को तोड़ता है और हमें लगता है कि हम तो ईगो से भरे हुए हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी से। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप सच में एक स्पिरिचुअल पर्सन बनने के कगार पर हो या बन चुके हो या सिर्फ आप भी ढोंग कर रहे हो। तो उन सारी चीज़ों को आज हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे, डीपली एक्सप्लेन करूंगा और ये आपको पसंद आएंगी। अगर आप सच में सीखना चाहते हो, सच में ये देखना चाहते हो कि क्या आपकी जर्नी सही चल रही है नहीं चल रही है, तो देखिए मेरे कुछ ऐसे पॉइंट भी रहेंगे जो आपको हर्ट करेंगे, आप उसको भी एक्सेप्ट करोगे। क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सन की बात क्या है, उसके अंदर ईगो नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग, समझदारी बहुत हाई लेवल पर होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस ये कहूँ या अवेकन कहूँ या अवेकनिंग कहूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर होनी चाहिए। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने हित के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर यहाँ तक इस वीडियो को देखते हुए आ गए हो तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले अभी तक लाइक कर दो। अगर वीडियो पसंद नहीं आती हमारी तो डिसलाइक कर दो, कोई भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसके साथ साथ में अगर आपके कोई सुझाव है, कोई जिज्ञासा आपके अंदर आ रही है, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन बॉक्स के माध्यम से टाइप कर सकते हैं। चाहे अभी कर दो, चाहे जब वीडियो खत्म हो जाए, जब ये आप देखना बंद कर दो तब कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ अपने और हम दोनों के हित के बारे में कि देखिए तो हमारी बुक है जिनका नाम है प्योर स्पिरिचुअलिटी और अवेकन सोल, दोनों हार्ड फॉर्मेट में अवेलेबल है। अब आप दोनों को परचेस कैसे कर सकते हो, अभी आपको डिस्प्ले पे एक नंबर दिख जाएगा, नंबर है 7895591900 पे। आप सिर्फ व्हाट्सएप करके इन बुक को अपना एड्रेस शेयर करके, जो डिलीवरी एड्रेस रहेगा और जो बुक का अमाउंट है उसको पे करके आप अपने एड्रेस में मंगवा सकते हो। हमारी डिलीवरी सर्विस शुरू हो चुकी है। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ हम किंडल वर्जन जो रहता था उसको पब्लिश करते थे, बट आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हमने ये भी कर दिया। और ये बहुत अभी हमारे पास में स्टॉक है और स्टॉक अभी आप अपने डिस्प्ले पे भी देख रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप इसको ग्रैब करो और इसको अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे ये बुक। ये मेरी आपके साथ में गारंटी है। और बस यही है, मैं हालांकि हर वीडियो में एक्सप्लेन करता रहता हूँ ये क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो आपको पता होगा। स्पिरिचुअल बुक है, किस इसमें आपका कोई भी घाटे का सौदा नहीं है, तो आप इनको एक चांस दे सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक क्या है, ईगो ट्रैप। तो देखिए सपोज करो कि आप घर में खाना खा रहे हो और खाना नीचे बैठ कर खा रहे हो, एक पर्सन जो आपके रिश्तेदार हैं या आपके पड़ोसी हैं वो आपके घर में आते हैं और एंटर करते हैं, एंटर करते हो बोलते अरे आप नीचे बैठ कर खाना खा रहे हो। तो एक चीज क्या हो सकती है, अगर आप अवेकन हो, सच में स्पिरिचुअल पर्सन, हाँ तो मैं तो खा रहा हूँ, आप करुणा से भरा हुआ जवाब उनको दोगे। लेकिन अगर उस करुणा की जगह सिर्फ आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो या आपके अंदर से गुस्सा आया कि पर्सन ऐसा कैसे बोल सकता है, तो देखिए आप ईगो ट्रैप में हो। आप अपनी कार या बाइक ना लेके, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके अपने वर्क के लिए जा रहे हो, अपने यानी कि ऑफिस जा रहे हो कि किसी काम से बाहर जा रहे हो, आपके यहाँ पर कोई जानकार मिलता है आपकी कार कहाँ पर है, अभी आप कहाँ जा रहे हो, ऐसा कैसे जा सकते हो, आपके पास तो कार है, आप इतना अच्छे पैसे वाले होके भी ऐसा कर सकते हो। तब आपको अगर गुस्सा आ जाए, अगर आपका जवाब ये हो कि शायद ये सही कह रहा है, मतलब आपका जो सोच है वो बदल जाए बदलने के कगार पे हो, तो समझ लो अभी भी आप ईगो की ट्रैप में हो। इसी तरह अगर आपका कोई घर है, घर ना होकर छोटा मोटा घर है, और कोई आके ये कहे कि देखो आपका घर तो ऐसा है या वैसा है, हमारा घर देखो, हमारे घर में इतनी फैसिलिटीज है, बाथटब भी है, सब चीज है। तो अगर ऐसे समय पर अगर आपको अपने प्रति कुछ ना खुशी सी महसूस होने लगे या आपको ऐसा लगने लगे कि हमने क्या किया, ये देखो ये तो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो देखो आपके अंदर ईगो ट्रैप है या आप ईगो ट्रैप में फंसे हुए। आपकी संतान है जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरे की संतान है वो भी पढ़ने लिखने में अच्छी है, किसी कारण बस हो सकता है कि आपके संतान के जो पेपर या एग्जामिनेशन इस बार हुए हैं, जो परीक्षा हुई है उसमें उनके
अधिक मार्क्स ना आए, बल्कि आपके पड़ोसियों के या रिश्तेदारों के, उनके बच्चों के, उनकी जो संतान है उनके मार्क्स अधिक आ गए, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो आपको फोन करके कहेंगे कि आपके बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है। वो बच्चे क्या पढ़ेंगे जब आप ही खुद नहीं पढ़े होंगे। हम देखो हम पढ़े हैं तो हमने अपने बच्चों को इस तरह से सीख दिया, अब देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया। अगर ऐसे कंडीशन में फिर आपको थोड़ा गुस्सा आने लगे या आपको जवाब देने का मन होने लगे या आपके अंदर चिड़चिड़ापन होने लगे, तो आप स्टिल ईगो ट्रैप में हो। तो मैं कहने की क्या बात कर रहा हूँ, आपको मैंने 3-4 एग्जांपल दिए ईगो ट्रैप की बात है, कि जब भी आपकी कोई भी चीज आपको टिगर करने शुरू कर दे, परेशान करना शुरू कर दे, तो देखिए आप कहीं ना कहीं उस ईगो ट्रैप में हो जिससे हमें बचने की जरूरत है। और आपको सेल्फ अवेकनिंग करनी ही पड़ेगी, जागरूकता लानी ही पड़ेगी, आपको जागृति अपने अंदर पैदा करनी ही पड़ेगी, वरना ये दुनिया आपका मजा लेते ही रहेगी। अब सपोज करो जितनी सर्कमस्टेंसेस मैंने बनाए उनको क्या नुकसान है, क्या उनके बच्चे उनके बच्चों के मार्क्स जो आए हैं उनको छीन रहे हैं? नहीं। क्या आप उनका घर छीनने के लिए जा रहे हो? जी नहीं। आप नीचे बैठ कर खाओ या सोफा पर बैठ कर खाओ उनको क्या फर्क पड़ता है? नहीं ना। लेकिन वो आपका टेस्ट लेते हैं इस तरह से। ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, लेकिन ये हर घर की कहानी है। तो आपको क्या करना है, इस ईगो ट्रैप से अपने अहम से बचना है और उसको करुणा में कन्वर्ट करना है कि ठीक है मुझे नीचे बैठ कर, आपको अगर कोई नीचे बैठ कर खाना खाने में 2 चीज गलत बता रहा है तो उसको 4 चीज बताने के बजाय शांत रह जाओ तो अच्छा है। लेकिन अगर स्टिल वो आपको परेशान कर रहा है कि कुछ बताएं, तो आप उनको बता सकते हो कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हेल्थ की वजह से, ये जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, जो रिलीजन में लिखा है या जो साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है, नीचे बैठ कर खाना ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए मैं इन सारी क्रियाओं को फॉलो करता हूँ। और अगर मैं अकेला कार ड्राइव करके जाऊंगा तो मैं 4% की कार होती है ना, तो 4% को भी ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं अकेला जा रहा हूँ तो 4% का फ्यूल क्यों फूकूं, क्यों अपने जो एक फाइनेंशियल इश्यूज है उसको ज़्यादा बढ़ाऊं, तो उसको मैं लिमिटेड कर सकता हूँ, बस में बैठ कर जा सकता हूँ। तो आपका आंसर इंस्टेड ऑफ दैट कि आप ऐसे इस तरह से रिएक्ट करो या कोई पर्सन आपको गुस्सा दिला दे, तो आप ऐसा भी महसूस कर सकते हो, ऐसा भी सोच सकते हो। लेकिन वही वाली बात है, इट्स लिटिल ट्रिकी और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये सारी चीज़ें सोच समझ के नहीं आती, इसको प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं लेता हूँ एक सिप, उसके बाद में कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि इन सब की चीज़ों की हमें क्या है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस में माहिर हो जाओगे तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी, फिर कौन क्या बोलता आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इवन दो आप इस तरह से हो जाओगे कि मैं बैठा हूँ, लोग इधर से चीटी मुझे काट रही है, इधर से कोई चै चै कर रहा है, उधर से कुछ पैसे मांग रहा है, जिसको जो करना करते रहो, मैं मूर्ति बन गया, और मूर्ति बनने पे भी मुझे जागरूकती है कि कोई ना कोई मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। पक्षी की आवाज़ आ रही होगी, बहुत अच्छे से चहचहा रहे हैं, अभी बारिश का मौसम है ना, तो पक्षी ऐसे में ज़्यादा आते हैं, अपने घोंसले को बनाना है, संभालना है, सब अपने अपने घर की केयर करते हैं। तो इसीलिए मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों के ट्रैप्स हैं, जो ईगो ट्रैप होता है उससे बचने की कोशिश करो, और इसको ईगो ट्रैप की जगह आप क्या है, एक करुणा का, हैप्पीनेस का और एक सच्चा स्पिरिचुअल पर्सन बनने का जो ट्रैप है उसको पकड़ो। आप चीज़ें चेंज कर सकते हो, इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है। तो चलिए अब ये तो हो गई मेरी बात, अब मैं बात करता हूँ आपके कमेंट सेक्शन बॉक्स की बात, जो आप हमें लिख के भेजते हैं अपनी जिज्ञासाएं, तो मैं उनको दोहराता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो RRS का कुछ है, बोल रहे हैं कि कमेंट बोल रहे हैं कि सुबह की नमस्ते, आपका दिन शुभ हो। सो थैंक यू सो मच, मेरा पंच मुजीब है जो मैं अक्सर आपको बोलता हूँ, तो आपका भी दिन शुभ हो, सुबह की नमस्ते। रिनू जैन बोल रहे हैं, ओपन योर माउथ व्हेन योर वर्ड्स आर मोर ब्यूटीफुल देन द साइलेंस। मैं कहूंगा कि ओपन योर माउथ की जगह शट योर माउथ करो, और अपने साइलेंस से दूसरे को मजा चखाओ, क्योंकि वर्ड से ज्यादा, बोलने से ज्यादा, माउथ खोलने से ज्यादा आपकी साइलेंस ज्यादा पावरफुल है। तो मेरा है स्लाइटली थोड़ा सोचना डिफरेंट है, बट स्टिल मैंने आपका भी पॉइंट पढ़ा है, तो अगर लोगों को लगेगा कि आपका पॉइंट कंसिडर करना चाहेंगे तो हेल्प हो जाएगी। इसके बाद में पूजा ओजा बोल रहे हैं, सर PLR में कितना कॉस्ट आता है? तो हमारा 5000 का कॉस्ट आता है। मैं हुना का एक है, मैं परमात्मा हूँ, खुदा हूँ, ओके ठीक है। परमिला प्रधान बोल रहे हैं, कुत्तों को जिंदा ही रखते हैं गॉड, और अच्छे लोगों को
जो हमेशा अपने पास ले आते हैं, ये तो यही तो होता है, रहा है, ऐसे ही जिंदगी है। क्यों रखो, थोड़ा अच्छे से हिंदी लिखो। मौसमी घोष बोल रहे, थैंक यू भाई, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एज यूजुअल। थैंक यू सो मच आपका भी हमारे वीडियो पे ध्यान देने के लिए। देविका देशमुख नमस्कार कर रही हैं, आपको भी नमस्कार। शिवा रावत बोल रही हैं, दूसरों को बुरा कह करके कैसे अच्छा फल मिलेगा, कर्मों की सजा तो मिलती ही है। उस लड़की ने भी स्वार्थ में अपने प्यार के लिए और लोगों के लिए दुख के लिए किया। जी, मैंने एक आत्मा की कहानी सुनाई थी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेटेड है। उस आत्मा ने उस कैसे कैसे उसके साथ में चीजें हुई थी, तो उसके बारे में मैंने बताया। यस ससरी बोल रहे हैं, थैंक सर, थैंक यू सो मच आपको भी। सोफिया सिद्दीकी बोल रहे हैं, व्हेन अ कैट डाइज इन योर हाउस 2 months बिफोर माय मॉम डेथ, व्हाट डज इट इंडिकेट्स, काइंडली आंसर। किसी जीव की हत्या को इंडिकेट नहीं करता, इंडिकेशन यानी कि इंट्यूशंस अलग होते हैं, इसको आप उस चीज से रिलेट मत करो। इनका नाम था सोफिया सिद्दीकी, तो सोफिया जी प्लीज इस चीज से उसको रिलेट मत करो। आप में तो बहुत सारे लोग इसको मानते नहीं है कि बाद में कुछ होता है नहीं होता, लेकिन अगर आप सच में स्पिरिचुअल वर्ल्ड को महसूस करना चाहते हो तो आपको पता चलेगा। लेकिन जैसा आपने कहा, इंट्यूशंस वो टोटली डिफरेंट होते हैं। और क्या होते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, तो आपके परिजन मतलब जिनको जाना होता है, चाहे आपकी मम्मा हो, चाहे फादर हो, चाहे उससे कोई भी हो, वो आपको कुछ बहकी बहकी बात करेंगे। कुछ 6 महीने से है, कुछ 3 महीने से है, 2 महीने से है। इसके साथ साथ में कुछ ऐसा भी प्रोसेस आएगा कि जैसे आपने कहा कैट का आ जाना, मरने की बात नहीं कर रहा हूँ, कैट का आ जाना, काले कौवे जो होते हैं उनका बार बार आ जाना, पूरा एक झुंड में आ जाना, दूध का फट जाना, दूध का हाथ से संभाल कर रखना लेकिन फिर भी नीचे गिर जाना, इस तरह की इंट्यूशंस होते हैं। ये कुछ भी गलत नहीं है, या आपको अवेयर करते हैं कि देखिए समथिंग इज अबाउट टू रॉन्ग, जो आपकी साइकोलॉजी पसंद नहीं करती है, बल्कि इसमें नेचर के हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है। तो आपको अवेयर करते हैं कि ये टाइम है, राइट टाइम है, अगर आप चाहो तो रेडी हो जाओ इन सबके लिए, बस इतनी सी बात है। इसके बाद में गीता बहन बोल रही है, वेरी हेल्पफुल वीडियो सर, थैंक यू सो मच। गीता बहन जी थैंक यू, आपका भी थैंक यू। मीनू भाटी बोल रही है, गॉड ब्लेस यू, तो थैंक यू सो मच आपके ब्लेसिंग के लिए। राजा भोसले बोल रहे हैं, सर पितृपक्ष में सुबह सभी सोल अर्थ पे आते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, सभी सोल अर्थ पे आ जाएंगे तो पूरा जो सिस्टम है बिगड़ जाएगा, वहाँ पर काम कौन करेगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। लेकिन जो सोल जिसको आना होता है अपने घर में विजिट करने होते हैं, वो फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, एक समय के बाद में कम हो जाता है, लेकिन जिनकी रिसेंटली डेथ होती है तो वो तो आते ही रहते हैं। सीमा सिंह बोल रहे हैं, वेरी गुड, सो थैंक यू सो मच आपको भी। राज भोसले फिर से बोल रहे हैं कि सर मोक्ष मिलने के बाद फिर जन्म होता है क्या? जन्म नहीं होता है मोक्ष मिलने के बाद में, बल्कि आपके साथ में चीजें इस तरह से हो जाती हैं कि आप खुद के इच्छाधारी हो जाते हो। अगर आप चाहो तो किसी की मदद करने के लिए आके यहाँ जन्म ले सकते हो, उसकी मदद करके जा सकते हो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, क्योंकि आप एक एंजल के फॉर्म में आ जाते हो। आपका ये इंसान के बाद में जो पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा, आपका कुछ होगा, तो सिर्फ आप उसके बाद में इंसान बनोगे, एंजल्स बनोगे। गुलाब गुप्ता बोल रहे हैं, गुड इवनिंग जी आपको भी। विमल चौहान बोल रहे हैं, वेरी नाइस, सो थैंक यू सो मच आपको भी। शिवा रावत बोल रहे हैं, सर आपका हर प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है, इंतजार रहता है हर वीडियोस का, थैंक यू सर, सो थैंक यू सो मच आपको भी। वीर सब बातें बोल रहे हैं, मेरा बेटा 17 साल का था, पानी में डूब के गया, उनकी आत्मा पुण्यति में हर है कि आत्मा लोक में है। ओके जी। सृष्टि कुलकर्णी बोल रहे हैं, थैंक यू सर, सो थैंक यू सृष्टि आपको भी। बिरसा बादिक बोल रहे हैं, थैंक यू सर, थैंक यू आपको भी फिर से। रंजना सिन्हा बोल रही हैं, बहुत ही अच्छी तरह से समझे आपने, सो थैंक यू सो मच हमारी बातों को समझने के लिए, अपनी जिज्ञासा शेयर करने के लिए। फिर से बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सुभाष जी, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपका हार्ट ठीक हो रहा है, भगवान करें आप स्वस्थ रहें, तभी हम लोगों को आपको वीडियो के द्वारा मार्गदर्शन मिलता रहेगा आपको स्वस्थ रखने के लिए। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। मैं चाहता हूं कि सारे लोग ईश्वर का थैंक यू करते रहें, नॉट फॉर माय हैंड बट फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, कि जैसे वो आपको रखते हैं, रात को सुलाते हैं, दिन में उठाते हैं, खाने की बात करते हैं, आपको काम करने के लिए प्रेरित करते हैं इस तरह से, और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरी वीडियो देखने के लिए भी आपको टाइम मिल जाता है, तो सबके लिए थैंक यू सो मच, नेचर का, आपका, सभी का। इसके बाद में वसुदूत बोले, सर मुझे बुक चाहिए, तो प्लीज़ आप बुक ले सकते हो, इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर 7895591900 पर कॉन्टैक्ट करना है व्हाट्सअप पे,
और पूछ रहे हैं कि मुझे बुक चाहिए, वो आपको सारे डिटेल दे देंगे। इसके बाद मैं सुनील भामरे बोल रहे, मैं समझ गई, मैंने आपको कॉल पर कहा था कि मैं जा रही हूँ मगर मुझे कुछ फीलिंग है, आज आपने उसका आंसर दे दिया, थैंक यू। अंजना भामरी, लेट गो, पूरी कोशिश करूँगी। जी बिल्कुल, पूरी कोशिश करनी चाहिए। पुरुषोत्तम बोल रहे जी, सुभाष जी प्रणाम, आपकी वीडियोस बहुत प्रेरणा देती हैं, आपके योगदान के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, प्रणाम। तो थैंक यू सो मच, बस इतना ही काफ़ी है कि आप हमें अपना टाइम दे रहे हो, हमारी चीज़ों से कुछ नया सीख रहे हो जिससे आपको मदद मिल जाए, बस इतना ही काफ़ी है। पिंकी यादव बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, मुझे प्रॉब्लम है। जी पिंकी यादव, पहले तो आप अपने गलत समय का कॉल मत करो, कभी भी फ़ोन उठा के कर देते हो वो गलत बात है, दूसरे का वक्त होता है। और देखिए, एक राइट वे है अपॉइंटमेंट लेने का, जिसमें आपका टाइम आपको मिलेगा, मेरा टाइम मुझे मिलेगा, हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। व्रत जयदीस बोल रहे, प्रणाम साहेब, प्रणाम आपको भी। संतोष काले बोल रहे, जय श्री राम, सुभाष जी जय श्री राम। रोहित आखिर बोल रहे कि फ्रॉम कुंडी वी कैन नो अबाउट योर डेस्टिनी एंड आई, ओके जी, आपकी जैसी इच्छा, मेरे हिसाब से नहीं होता ये सब। शिवा रावत बोल रहे हैं, और देखिए कुंडली वालों के लिए मेरे बहुत सारे तर्क हैं, अगर आप जवाब दो तो मैं डिबेट भी कर सकता हूँ। शिवा रावत बोल रहे हैं, अपने पार्टनर के प्रति कोई भी कोई जीवन भर जिम्मेदार रहता है, उनकी अच्छी यादों के शेयर भी जिंदगी भर बिताई जा सकती है। अच्छी सही बात है। संगीता गुप्ता बोल रहे, सर वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन, इज डाइंग ओल्ड इज गुड एंड आर दे लकी देन हु डाई यंग, बिकॉज इन आर कल्चर यू थैंक्स गॉड व्हेन यू आर सेव्ड फ्रॉम डेथ एंड ही इज कंसिडर लकी। ठीक है संगीता जी, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा इंग्लिश में मुझे लग रहा है कि दिक्कत है, बट स्टिल आई गॉट योर पॉइंट कि जब भी हम वृद्ध अवस्था में मरते हैं, जब हम ओल्ड हो जाते हैं, तो हमारे कल्चर में या समाज में ऐसा लगता है कि इनके साथ में अच्छा हुआ, अच्छा जीवन बीता, इस तरह की कुछ सेंटेंस हम अक्सर बोलते रहते हैं। और अगर कोई पर्सन की यंग एज में डेथ होती है तो हम उसको बोलते हैं कि अनलकी था, इसको बहुत कुछ करना था, इस तरह से जो हार्दप्रस्त एक सेंटेंस रहते हैं, जो दुखी करने वाले सेंटेंस होते हैं, वो अक्सर निकल कर आते हैं। तो देखिए ये तो समाज की बात है, बट नेचर इस हिसाब से वर्कआउट नहीं करता। जैसे मैं बोलता हूँ कि आप अपनी ज्यूडिशरी में देखो, कई बार जो सच्चे लोग होते हैं, जो विक्टिम होते हैं, उनको सजा मिल जाती है, और जो पार्टी लोग होते हैं जिन्होंने कुछ गलत करके रखा, वो मुक्त हो जाते हैं। तो ये नियम इसी हिसाब से यहाँ पर लागू होते हैं। जब हम बात करते हैं उस वर्ल्ड की, यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, तो वहाँ पर देखिए कुछ गलत नहीं हो सकता। तो अगर भगवान की इच्छा से, यानी कि आपके इंटेंशन नहीं थे अपने शरीर को नष्ट करने का, इस जीवन को ख़त्म करने का, तो आप इस चीज़ पर बिल्कुल भी संदेह करने की ज़रूरत नहीं है कि वो इच्छा भगवान की थी, आपकी थी, या कैसे थी, गलत था सही था। देखिए वो आप ही लिख कर आए थे, आप ही लिख कर चले गए। ये कुछ इस तरह से है कि कोई पर्सन एक काम को 10 दिन में कर रहा है, एक पर्सन वाइज मैन उसी काम को 1 दिन में कर रहा है। जब 1 दिन में कर रहा है तो 100 साल क्यों जिएगा, वो तो अपने 20-30-50 साल में भी ख़त्म करके जा सकता है, सिर्फ सोचने समझने की इतनी सी बात है, बाकी इसमें कुछ भी गलत सही कुछ भी नहीं है। रीना बोल रही, हेलो सर, मुझे मेरे मृत हस्बैंड अक्सर सुबह 4 से 5 बजे के बीच में अक्सर जीवित दिखाई देते हैं, मुझसे बातचीत भी करते हैं, इसका क्या मतलब? तो अच्छी बात है रीना जी, जीवित ही हैं, मरा हुआ तो आप समझते हो जब आप उनके प्रति दुख शोक करते हो। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि जब भी कोई पर्सन यहाँ से जाता है तो हमें ढोल नगाड़ों से, जैसा हम बारात पे जाते शादी करते हैं, इस हिसाब से करना चाहिए। बाकी समाज ने ऐसा बना रखा है, जिससे मैं पर्सनली इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। इवन मैंने तो अपने बारे में चीज़ें भी शेयर कर रखी हैं, अगर जब मुझे यहाँ से जाना होगा तो कैसे किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि मुझे उस सारे कॉन्सेप्ट का पता है। हमारी दिक्कतें शरीर में रह कर जाते हैं, ना कि शरीर से मुक्त होकर। तो जिंदा है, सोल फॉर्म में है, और आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको एहसास करा रहे हैं, या आपका किसी न किसी हिसाब से साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको उनके प्रति थैंकफुल होने की ज़रूरत है, ना कि लॉजिकल माइंड होकर कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, कैसा है। इसके बाद में साधना आरता बोल रहे हैं, लवली ओरिजिनल म्यूजिक, ब्यूटीफुल साउंड एंड पिक्चर, रिलैक्सिंग फ्रॉम स्ट्रेस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सो थैंक यू वेरी मच। 20-21 मिनट हो गए हैं, तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, अगर कुछ नया सीखा है तो आप इस वीडियो को इसलिए कंटिन्यू कर सकते हैं, और ये प्रोग्राम आपको यूं ही अक्सर मिलता रहेगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बार मैं ये प्रोग्राम करूँ, लेकिन कई बार क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल है, उसकी वजह से मैं डेली नहीं आ पा रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।
और मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। जिस पर्सन ने अभी तक बुक्स को परचेस नहीं करा है, एडवांस ऑर्डर नहीं दिया है, प्री ऑर्डर नहीं दिया है, तो अब आप ऑर्डर दे सकते हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।